हनुमान लला महादेव का जलाभिषेक करते हैं और इस अभिषेक का आनंद कैलाश में बैठे महादेव बड़ी प्रसन्नता से लेते हैं। हनुमान लला से मिलने हेतु आतुर हुई माँ पार्वती गवालन के रूप में आके लला को शिवांश के नाम से संबोधित करती हैं। गुरु विशंबर की नारायण पालकी में हनुमान को राम दिखते हैं और तब गुरु अपना मौन व्रत तोड़ बताते हैं नारायण ही राम है। उन्होंने भी दुर्जनों के विनाश हेतु संकट मोचन हनुमान के साथ इस धरती पर जन्म ले लिया है। स्वामी, कल आप ये लाल रंग की धोती नहीं पहन सकते। क्यों प्रिय? कल तो हमारे लल्ला का नामकरण होगा। अपने अपने विवाह में जो धोती पहनी थी वो आप पर बहुत जचती है। मैं लाल रंग की धोती ही पहनूंगा बस। माँ, केसरी नंदन कहाँ है? अभी तक तो यही खेल रहे थे, ये कहाँ चले गए? क्षमा कीजिए स्वामी, किंतु कल आप ये लाल धोती ही पहनिएगा। नहीं प्रिय, तुमने उचित कहा। विवाह में जो धोती पहनी थी उससे हमारे सुनहरे पलों का पुनः स्मरण हो जाएगा, अच्छा लगेगा। नहीं स्वामी, एक ही रंग के वस्त्र में दोनों पिता पुत्र बहुत अच्छे लगेंगे, इसलिए लाल। अंजनी का विशेष उत्सव है, उसे ही लाल पहनने दीजिए। मैं विवाह वाली धोती ही पहन लूंगा। मैंने कहा ना लाल रंग तो लाल। नहीं, अंजनी लाल वस्त्र और मैं विवाह वाली धोती। लल्ला लाल पहनेगा, पिताश्री भी लाल पहनेंगे। मुझे पिताश्री कहा? क्या कहा पुत्र? लल्ला भी लाल पहनेगा, पिताश्री भी लाल पहनेंगे। एक बार फिर से कहना पुत्र। दोनों लाल पहनेंगे, दोनों लाल पहनेंगे, दोनों लाल पहनेंगे।
में ही उन्होंने अपने माता पिता में मेल कराया। फिर आगे चलकर मेरे जान की रूप का अयोध्या पति प्रभु श्री राम से पुनर्मिलन कराया। राम से बिछड़ने की पीड़ा जितनी सीता ने उठाई थी, सीता के वियोग में राम भी उतने ही दुखी हुए थे। संकट मोचन महाबली हनुमान तो सदैव ही धन्यवाद के पात्र। उनके ही प्रयासों का फल है कि रघुकुल पर आए सारे संकट मिट गए। ये क्या भैया, क्या आप सुमेरु नहीं चलेंगे? मैं वहां जाकर क्या करूंगा? उस मर्कट का नामकरण तो मैं पहले ही कर चुका हूं। वो मेरे लिए सदैव मर्कट ही रहेगा। यदि वाली भैया नहीं गए तो ये मुझे भी नहीं जाने देंगे, और फिर कंचनाब से मिलने का एक अवसर हाथ से निकल जाएगा। अब तुम क्या सोचने लगे? भैया मैं ये सोच रहा था कि आपके लिए तो वो सदैव मरकट ही रहेगा, किंतु शेष संसार तो उसे अलग ही नाम से जानेगा। जाने? मुझे क्या, किंतु नामकरण की परंपरा के अनुसार यदि उसने आपका दिया हुआ नाम स्वीकार कर लिया तो फिर सारा संसार उसे आपके दिए हुए नाम से पुकारेगा। मरकट, आज नामकरण के लिए तुम चले जाओ और उसे मेरी ओर से मरकट नाम दे दो, वो भी सबके सामने। किंतु भैया मैं आपके बिना अकेले कैसे जाऊंगा? क्या मेरे बिना तुम्हें भय लगता है? संसार के महानतम योद्धा के भाई होकर कैसी कायरता की बात कर रहे हो तुम सुग्रीव? जाओ, वहां जाकर उसे मरकट नाम देकर मेरी आज्ञा का पालन करो। मुझे विश्वास है वो तुम्हारे दिए हुए नाम का चुनाव कर लेगा। मरकट। आंजने के नामकरण के शुभ अवसर पर सुमेरु के राजभवन में भव्य उत्सव का सा वातावरण था। मंगल ध्वनि के साथ उत्साह से वानर राज केसरी स्वयं अतिथियों का स्वागत कर रहे थे। आइए ऋक्षराज, आपका स्वागत है। युवराज वाली नहीं दिख रहे। राज कार्य के लिए किसी एक का रुकना तो अनिवार्य था ही, सो यह दायित्व तो मैंने उसी को सौंप दिया, और इसी प्रकार तो अनुभव होगा उसे। निश्चित ही, चलिए भीतर चलिए। आप हमारी चिंता ना करें, बाकी अतिथियों का स्वागत करें। आइए। पधारने वाले प्रमुख अतिथियों में थे आंजने के नाना नानी, आयुष्मान भव पुत्र, देव गुरु बृहस्पति, प्रणाम पितामह, मतंग मुनि,
किसे? किसे? मेरी गुणवान लाल को वीर सुमीर युवराज को नाम सभी अति ध्यान से सुनना और नाम एक सुंदर चुनना जो जप के जग जीवन तारे कह केसरी नंदन मात पुकारे तात कहे आंजनेया हमारे वाह ना सुंदर लग रहा है मेरा लाल मैं सुंदर लग रहा हूँ मैं सुंदर लग रहा हूँ आज आपका नामकरण होगा एक विनती है आपसे क्या माँ आपको एक सुंदर सा नाम चुनना होगा चुनोगे ना जनाब 10 दिन में ही कितने बड़े हो गए हो तुम दस दिन का बालक इतना बड़ा ये कैसा चमत्कार है चमत्कार नहीं ये भोले बाबा का आशीर्वाद है धन्य हो वानरराज केसरी जिसे ऐसा विलक्षण पुत्र मिला है पवित्र पवित्रो वा सर्ववस्थां गतोपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षं स भयाभ्यंतर शुचि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः
कदाचित आप सभी बानर कुल की नामकरण परंपरा से परिचित हैं। फिर भी मैं एक बार पुनः बताता हूं, ये मेरे परपौत्र चिरंजीवी केसरी पुत्र की जन्मपत्रिका है। आप लोग इस पत्रिका को बालक के कान से स्पर्श कर धीरे से चुने हुए नाम का उच्चारण बालक के कान में करेंगे। उसके पश्चात इस पत्रिका को उसके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। जिस नाम पर भी बालक प्रसन्नता पूर्वक इस पत्रिका को हाथ में लेगा, वही नाम बालक के प्रचलित नाम के रूप में स्वीकार किया जाए। बालक के परदादा होने के नाते देवगुरु बृहस्पति ही इस अनुष्ठान का आरंभ करेंगे। शिवांश, शिवांश, शिवांश।